What time is it? It's haircut time. एक मिनट पहले आप ये देखो, जाओ तो रूठ ना जाए तुझे हंसाने के लिए गिर पड़ता था, तो रूठ ना जाए तुझे हंसाने के लिए गिर पड़ता था, तू कहीं खो ना जाए भरी रात जुगनू बन जाया करता था। खुदा करे तुझे मिले मुझसे कोई बेहतर, कसम से रोज दुआ करता था। कलाकार तो नहीं पर तेरी तस्वीर बनाया करता था, कलाकार तो नहीं पर तेरी तस्वीर बनाया करता था। अरे विनीत शायर तो अब हुआ है, पहले तो सिर्फ तख्ती पे दिल बनाया करता था। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भैया हम ही हैं, लिख लेते हैं कभी कभी थोड़ा बहुत, तो चले गए ओपन माइक देना है ऐसे ही, क्योंकि हमारी मर्जी। इवेंट था 25 तारीख को और मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत ये शूट किया। इधर हम पहुँच गए हैं, मेरा एक दोस्त मिला था मेरे को रास्ते में, फिर उसको पिक किया और यहाँ पे हम पेरेंट थी। लोकेशन बहुत आइसोलेटेड प्लेस मिली है क्योंकि वैसे कोई कैफे को अलाउड नहीं कर रहे हैं, जो कि सही है क्योंकि अभी सेफ नहीं है। यहाँ पे आने लग गए हैं लोग, टाइम दिया था उसके बाद में होता है हमेशा, बट इट्स सेफ एंड साउंड, आगे देखते हैं क्या होता है। इतना आलस हो जाता हूँ किसी गाँव में कि मैंने कुछ कुछ लिखा था वो मैंने कंप्लीट ही नहीं किया और अब मैं लिख रहा हूँ, इसमें याद नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, मैंने कुछ कर करके भी नहीं आया था। अभी जो बचा हुआ उसको कंप्लीट कर रहा हूँ बाहर बैठ के, टाइम बचा थोड़ा बहुत अभी, तो देखते हैं क्या होगा, पता नहीं मेरे को कुछ भी लिख रहा हूँ ऐसी। बस 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 इतना ही है, इसके बाद इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था वेन्यू में। और सही बताऊँ तो यार, अगर मैं कैसे भी करके मोबाइल निकाल के कुछ भी शूट कर भी लेता तो यार उस जगह की माइक बिगड़ जाती और मुझे भी अच्छा नहीं लगता, प्लस वहाँ का डेकोरम बिगाड़ना बेकार था, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बिल्कुल ही खराब बात है। तो ये थी बातें कि इवेंट कब था, बट अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि क्यों कब कैसे ओपन माइक राइटिंग एंड अ लॉट। सो हियर वी गो। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अकेले रहते हैं तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। मैं भी अकेले कह सकता हूँ थोड़ा बहुत रहा हूँ और मैंने अपने बारे में जानने में हमें बहुत चीज़ें फाइंड करने को मिलती है। पहले मुझे लगता था कि क्या क्या करना है, क्या हॉबीज़ क्या हमारी, हमें पता नहीं रहता। हम खेलते तो हमें लगता है यही हॉबी है और हम शायद उसके आगे जाते नहीं हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें लगता है कि यही हॉबी है। हमें कई बार तो यही नहीं पता रहता कि हमारी हॉबीज़ क्या हैं। हमें इस एज पे आके भी, जब हम स्कूल लाइफ में भी हो जाते हैं, स्कूल लाइफ क्रॉस करके कॉलेज वॉलेज में चल जाते हैं, हमें नहीं पता रहता हमारी हॉबीज़ क्या हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है, कईयों को नहीं पता लग पाता। बट अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम लोग अपने आप खुद को थोड़ा बहुत टाइम देंगे तो हमें जानने को बहुत कुछ मिलेगा अपने आप से, और शायद वो लोग समझने में थोड़ी देरी कर दें बट हम जल्दी समझ जाएंगे और हम लोगों को समझा पाएंगे कि हम कैसे। तो हमें अपने आप को थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए जिससे हमें पता लगेगा कि यार हम हैं क्या, हमें क्या पसंद है, हमें क्या ना पसंद है। तो हम जब तक अपने आप को अच्छे से नहीं जान पाएंगे हमें लोग भी नहीं समझ पाएंगे। मैंने अपने कोई पिछले व्लॉग में आपको बताया कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो नॉवेल्स वॉवल्स बहुत पढ़ता है, क्योंकि मेरी आदत कभी ऐसी बनी नहीं पाई। बचपन से ही मैं खेलने वाला मेरा माइंडसेट रहा है, जिसमें मैं अगर मेरे को बुक्स की आदत दे और मेरे को खेलने का मौका मिले तो मैं खेलने भाग जाता था, और मैंने कभी ये हैबिट डेवलप नहीं कर पाया। लेकिन मुझे वो लोग बहुत पसंद भी है जो लोग पढ़ते हैं, मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी है और मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बट मेरे में जानने की क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि नई चीज़ें हमें समझने को मिले, जानने को मिले, लोगों को जान के उनसे अच्छी चीज़ें सीख के इम्बाइब कर पाए हम अपने आप पे। मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ और मुझे ये जानने को मिला कि यार जब तक हम लोग किसी को पढ़ेंगे नहीं, ज़रूरी नहीं किताब पढ़ते हैं, हम इंसानों को भी पढ़ते हैं, उनकी हरकतों को पढ़ते हैं, तो हमें पढ़ना पड़ता है। अगर हम कुछ लिखेंगे उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, तो चाहे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो या नॉर्मल लाइफ में भी, हर एक बंदे को अगर कुछ लिखना है तो उसको पहले कुछ पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो इंसान को पढ़ना पड़े या किताबों को। तो मैंने एक चीज़ देखी कि हमारे पास अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे पास लिमिटेड वर्ड्स नहीं रहेंगे, हमें ज़्यादा लिखने को कंटेंट मिल जाएगा, हमें पता लगेगा कि हमें और क्या लिखना है आगे। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आई एम एन ऑथर, आई एम एन राइटर,
नहीं, मैं लिखता क्या हूँ, मैं कभी कभी टू लाइनर्स लिखता हूँ, कभी नज़म लिख देता हूँ, कभी गज़ल लिख देता हूँ, कोई एक पोइट्री भी लिखी है मैंने, और इवन मैं मीम्स भी बनाता हूँ, तो मैं मीम्स भी लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको एक सच्चाई की बात बताऊँ तो मैं इंस्टाग्राम पर मेरा एक मैंने मीम का पेज बनाने की ट्राई की थी, थोड़े बहुत अपने दोस्तों को बोलता था कि यार चेकआउट कर लो, बट मैं उसको सही बताऊँ टाइम नहीं दे पाया, और मुझे ये सब चीज़ें जानने को मिली कि यार ये सब चीज़ मैं लिख पा रहा हूँ, और मैं लिख तभी पा रहा हूँ जब मैं नोटिस कर पा रहा हूँ लोगों को, चीज़ें ज़्यादा समझ रहा हूँ, और जब मैं लिखता हूँ मैंने ये चीज़ भी नोटिस की है कि मैं कहीं ना कहीं फॉल्ट कर जाता हूँ जहाँ पे मुझे वर्ड्स नहीं मिलते, और वर्ड्स इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि मैं पढ़ता कम हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिखने से पहले, या तो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी अच्छी हो कि और फटाफट कुछ ऐसे भी लिख दें। तो टोटल पॉइंट ये है कि यार अगर आप में कोई आर्टिस्टिक अप्रोच है जिसे आप बाहर निकालना चाहते हैं तो जस्ट गिव इट अ शॉट यार, मतलब वी शुड गिव इट अ शॉट, और यहाँ मैं वी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम इन इट विद यू गाइस, मैं कोई गुरु गुरु नहीं हूँ, तो इसलिए मैं बातें बस अपने मन की बता रहा हूँ आपको, मेरा ओपिनियन ये है कि हमें अपने आप को एक शॉट देना चाहिए जिससे हमें और जानने को मौका मिले हम कि हम क्या कर सकते हैं। Why this open mic? Okay. आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। नंबर टू, आपको आपके ही जैसे लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे जिनकी बहुत आर्टिस्टिक अप्रोच होगी एक लाइफ में और आपको बहुत अच्छा लगेगा। नंबर थ्री, आपको वो लोग मिलेंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, और ऐसे लोग जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ओपन माइक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ओपन माइक का मतलब ही आप उसके नाम से पता लगा सकते हैं कि इट इज़ फ्री टू गो देयर एंड कन्वे योर थॉट्स, योर स्टोरीज, योर मैसेज, एवरीथिंग। बट कितने लोग उधर तक जाते हैं? कई लोग नहीं जाते हैं, कई लोग रह जाते हैं क्योंकि या तो शाय हैं या तो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो वहाँ जाके परफॉर्म कर पाएँ, परफॉर्म छोड़ो अपने आप को प्रेजेंट ही कर पाएँ। ओपन माइक से कोई मतलब नहीं, एक बार के लिए उसको साइड कर लीजिए। बस इतनी सी बात है कि अगर हम लोग किसी के सामने जाके, ग्रुप ऑफ पीपल के सामने जाके अपने थॉट्स रख सकते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अनदर लेवल पहुंच जाएगा यार, मतलब जहां हैं हम लोग उससे तो ऊपर ही जाएगा, सिंपल सी बात है। ये ओपन माइक इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं आज तक कभी मैंने ऐसे लोगों के सामने अपना कुछ भी प्रेजेंट नहीं किया, और मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हूँ तो मैं ज़्यादा ऐसा जाके नहीं परफॉर्म करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि यार विनीत तू कर सकता है भाई, तो मैं इसलिए गया वहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कभी तो सिगरेट का धुआं भी बादल दिखता है, कभी कभी तो सिगरेट का धुआं भी बादल दिखता है, मुझे तो चांद भी महज एक मुखौटा दिखता है। और ये उनके लिए जो अपनी खूबसूरती को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं, स्पेशल लड़कियां। कभी कभी तो सिगरेट का धुआं भी बादल दिखता है, मुझे तो चांद भी महज एक मुखौटा दिखता है। तू खामखा अपनी खूबसूरती पे शक करती है, मुझे तो अमावस में ही पूरा चांद दिखता है। शुक्रिया शुक्रिया। बाय बाय, बहुत दिन बाद खा रहा हूँ और मसाला डाल दिया इसमें, इस तोड़ने में बहुत मजा आता है ऐसे करके। मैं बाय बाय कभी भी कुक नहीं करता, ऐसे खाता हूँ नमकीन के साथ। अगर कुकी करना है तो मैगी वैगी खा लो यार।